हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैंने सांवली स्किन मेकअप लुक क्रिएट किया है जो कि विदाउट फाउंडेशन है। अगर आपको लुक अच्छा लगेगा, मेकअप अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर के लिए लिया है मैंने NYB का प्राइमर, जो कि सिलिकॉन बेस पे प्राइमर है और ऑयल फ्री प्राइमर है। ये प्राइमर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है फेस पे, ताकि आपके जो पोर्स हैं वो फिल हो जाते हैं और उसके बाद आप जो भी फाउंडेशन या फिर कुछ भी उसके ऊपर क्रीम कुछ भी अप्लाई करते हैं वो इजीली ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पे मैं आईब्रोज फिल करने के लिए लगा रही हूँ पोमेड, जो कि मैंने ब्राउन और ब्लैक कलर का पोमेड लिया हुआ है। एक एंगल ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल नेचुरल फिल कर रही हूँ। मैं कोई भी डार्क शेड नहीं पिक कर रही हूँ। आप चाहें तो डार्क शेड पिक कर सकते हैं, बट सांवली स्किन पे अगर आप नेचुरल आईब्रोज रखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, जिसके लिए आप ब्राउन और डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके ऐड करके लगा सकते हैं, या तो आप आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्रीम के लिए ले रही हूँ स्पेंज का सीसी क्रीम। आप क्रीम में कुछ भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे मैं सीसी क्रीम इसलिए लगा रही हूँ जस्ट बिकॉज क्योंकि ये येलो अंडरटोन है और सांवली स्किन के लिए येलो अंडरटोन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है फेस पे। और इससे क्या है कि आपका जो फेस है उसमें स्वेट भी कम आएगा और आप उसके ऊपर अगर कुछ भी अप्लाई करते हो तो वो बहुत अच्छे से ग्लो दिख करेगा फेस पे। एंड यहाँ पे मैं अपने आईज़ पे भी लगाई हूँ और सेट कर लिया मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आई मेकअप से ही शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे आप लेंगे ब्राउन कलर का शेड और इसे आईज़ के एंड पे अप्लाई करेंगे। वी शेप बनानी है और इसे अप्लाई करते हुए आईलिड पे लेके जानी है, अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद आईलिड पे लगाना है गोल्डन कलर। यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर इसलिए लिया है क्योंकि जब सांवली स्किन वाले लोग अगर इस तरह से मेकअप करते हैं, एक खूबसूरत सा आई लुक क्रिएट करते हैं, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत फ्लॉलेस लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं कोई भी आईलाइनर नहीं ले रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने आईलिड पे लगा रही हूँ काजल। आप कोई भी काजल ले सकते हैं। यहाँ पे काजल लगा के उसे स्मच कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन डार्क है और आप इस तरह से काजल लगा के स्मच करते हैं तो आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, आपकी जो आई मेकअप है बहुत खूबसूरत सा लगता है। यहाँ पे मैं अप्लाई करके फिर इसे स्मच कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ आप लोगों से, एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, कि अगर आप इस तरह से काजल लेके अगर अप्लाई करते हैं तो ये वाटरप्रूफ रहता है, स्मच प्रूफ रहता है और बहुत देर तक आपकी आंखों पे रहता है, क्योंकि बहुत लोगों की काजल फैल जाती है। इस वजह से अगर आप इस तरह से काजल लगाएंगे तो स्मच लगेगा, स्मोकी काइंड ऑफ लुक दिखेगा आपकी आईज़। और मस्कारा के लिए मैंने लिया था मेबलिन का मस्कारा अपनी लैशेस को कर्ल करने के लिए। मैं यहाँ कोई भी फॉल्स सीज नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने अभी लिया है कंसीलर। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ जो कि मेबलिन का कंसीलर है, एज रिवाइन कंसीलर, और इसका शेड है नेचुरल और ये बिल्कुल मेरे स्किन से मैच करता है। इस तरह का शेड आप पिक कर सकते हैं, मेबलिन में आपको हर तरह का शेड मिल जाएगा आपकी स्किन के हिसाब से। और इसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। दोस्तों, अगर इस तरह से अगर आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप बहुत लाइट रहता है, लाइट वेट रहता है, और जो फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और ये मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हो, एकदम नेचुरल लगेगा कि आपके फेस नेचुरल हैं और लगता ही नहीं कि आपने मेकअप किया हुआ है, बट आपकी हर एक्नेज और पिम्पल्स जो भी है उसको अच्छे से हाइड भी करता है ये कंसीलर। ये हाई कवरेज कंसीलर है, आप इस पर यकीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसीलर है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो भी कंसीलर मैंने लगाया अपने फेस पे, पूरे फेस को सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट की हेल्प से या लूज़ पाउडर की हेल्प से बोल सकते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ वैसे ही आपको सेट करना है। जहाँ जहाँ आपको स्वेट का प्रॉब्लम होगा उस एरिया पर अच्छे से सेट कर देना है, अपने मेकअप को लॉक कर देना है।
उसके बाद ब्लश के लिए मैं पीच पिंक कलर का ब्लश ले रही हूँ, क्योंकि सांवली अंडरटोन स्किन पे पीच कलर का ब्लश बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, कॉन्टोर या ब्राउन्ज़र आप कर सकते हैं अपने फेस पे, और यहाँ पे मैं ब्राउन्ज़र कर रही हूँ, कॉन्टोर बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखा पाउडर लिया हुआ है, इसलिए मैं ड्राई पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आप क्रीम लगाएंगे, क्रीम कॉन्टोर करते हैं, तो उससे आपके फेस पे छापा पड़ जाता है, जो कि डे टाइम पे बहुत ख़राब सा लगता है। इसलिए आप चाहें तो इस तरह से ड्राई पाउडर यूज़ कर सकते हैं ब्राउन्ज़र में, जो कि मैंने एले कलर का लिया हुआ है। आपको तो पता होगा आजकल वो मेरा बहुत फेवरेट है। और यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, जो कि ब्लश कम हाइलाइटर ज़्यादा है, इससे बहुत सटल सा ग्लो प्रोवाइड करता है, आप देख सकते हो। और ये जो है सिल्वर कलर का है, और आप इस तरह के स्किन पे गोल्डन या सिल्वर कलर के हाइलाइटर्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चंकी, ये चंकी ग्लिटर नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। और हाइलाइट कर लेंगे नोज़ एरिया पे, चिक एरिया पे, फॉरहेड पे अपने, और उसके बाद आईब्रोज़ एरिया पे भी करेंगे, इसलिए आईब्रोज़ पे करें ताकि आपकी जो आईब्रोज़ है वो नेचुरल दिखाई दे। और यहाँ पे मैं टियर टक के सामने पे भी हाइलाइट कर रही हूँ अपने आईज़ के एंड पे। हाइलाइट करने से बहुत अच्छी और ग्लोइंग दिखती है आपकी फेस। और यहाँ पे मैं सेटिंग स्प्रे से सेट करूँगी अपने सारे मेकअप को, इससे आपका मेकअप पूरा लॉक हो जाएगा और बहुत देर तक आपके फेस पे रहेगा, आपको ज़्यादा टचअप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सांवली अंडरटोन पे स्किन पे आपको डार्क कलर का लिपस्टिक लगाना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का शेड पिक किया है, और ये हुडा का मिनी लिपस्टिक है जो कि ड्यूब्स है। एंड गाइस, इसके बाद मैं अपने हेयर को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। आप चाहें तो किसी तरीके से भी अपने हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। दिस इज़ माय फाइनल फिनिश लुक गाइस। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट।